Emotions I convey are cruel, and my toxic traits are like deja vu. Ooh, that's the way I do. I'm a hot mess. Face the truth, I don't mean everything I say to you, but I know that I got you going crazy too. Damn, cruise on the high road, dodging the potholes, tied up and I'm blindfold. She got me going psycho. I walk on a tightrope. गाइस गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट, आ गया तेरा भाई फिर से कुछ नए वीडियो के साथ। और आप वेलकम टू नक्का ब्लॉग चैनल। और आज तेरा भाई ने झंडे लेके आए बड़े बड़े, वो इसलिए क्योंकि कल ना भाई कलश यात्रा है, तो उसके उपलक्ष्य में बड़े बड़े झंडे चाहिए और डंडे भी चाहिए, तो वो सारे अवेलेबल है अपने पास भाई। तो अभी चलते मंदिर साइड, क्योंकि आज पूरे दिन में काम था भाई, थोड़ा सा सर्व गए थे काम से, इस वजह से कुछ कर नहीं पाए। तो अभी चलेंगे और दिखाएंगे और कितनी व्यवस्थाएँ हो चुकी हैं ऑलरेडी और कितनी बाकी हैं, वो सारी चीज़ आपको दिखाएंगे। श्री राम सरकार के दर्शन करा के जय श्री श्याम, जय बागेश्वर धाम, जय श्री श्याम। चलते हैं पंचुकांगा हक चलोगा तो है, हमने खेला फोटो फोटो बताओ कहाँगा हो तो बताओ पहले कहा पंचुकां गए थे बताओ कहाँ गए थे जब कहाँ गए थे नहीं बता रहे, नहीं बता। दिल्ली दिल्ली मैं पंचु झूठी ना बोली, बता दो सही सही, तुम बताओ सुंदर। With the flames getting higher, all of the problems that I couldn't help. Oh, I'm building a bonfire. Hopelessly, I keep on losing myself. With the flames getting higher, all of the problems that I couldn't help. Oh, I'm building a bonfire. नजरबाग बब्बा के मुख्य गेट पे, जो कि आप देख ही सकते हो कितना प्यारा सुंदर तरीका से सजा के रख दिया है सतीश भैया, उन्हीं का डेकोरेशन का काम है। तो भाई सब लाइट का डेकोरेट कर रहे हैं अपने सतीश चाचा, जो कि भी लाइट का काम कर ही रहे हैं। बाकी इस साइड लाइट आइट पूरी कंप्लीट हो जाएगी और मंदिर की आप प्रतिमा और प्रतिमा के साथ साथ सुंदरता देख ही सकते कितनी प्यारी है। और ऐसा लगता है कि मतलब मानो एक जन्नत में आ गए हैं। और चारों साइड थोड़ा थोड़ा टेंट टेंट बाकी लग ही चुका है, अभी अंदर तो जाएंगे नहीं क्योंकि यार अपन इतने साफ शुद्ध नहीं है, क्योंकि दिन भर इधर से उधर घूमना होता ही रहता है अपन लोगों का। जी लगे हुए हैं काम पे और अभी ये सारड़ वगैरह लेके आए हैं, क्योंकि जो भागवत में लगना है सामान वो अभी पूरा इकट्ठा हो रहा है। और ये कलश वगैरह रख के पंडित जी भी आ गए, मेन पंडित जी वेदांत जी महाराज अभी टाइम बाद ही आएंगे, क्योंकि अभी वो वही मलेरा में है जहाँ की वहाँ पे अभी करवा रहे थे भागवत। वो मेरा भाई वही रामनवमी वाला झंडा लेके आ गया है बड़ा वाला, अब उसी में रैली में मस्त यही लेके चलेंगे अपन लोग, उसी पर राम की कृपा रहेगी अपने ऊपर और अपने ऊपर श्री राम रहेंगे, जय श्री राम। भक्त लोग यहाँ बैठे हैं और आप ऊपर भाई, अभी लाइट की व्यवस्था नहीं है तो टेंट टेंट कुछ दिख नहीं रहा। इस साइड आप देख सकते हैं मस्त टेंट की व्यवस्थाएं हो गई हैं, मतलब कंप्लीट हो गया है टेंट, और अंदर साइड भी चल ही रहा है काम। तो अभी अंदर यहाँ लाइट लग जाएगी बस, तो एक नंबर भाई देखने लगे, बाकी साइड तो रंग बिरंगे पर्दे के साथ साथ एक नंबर लगने लगा सब कुछ। और ये अपने श्री राम सरकार जो कि खड़े हैं मस्त, और झंडे को कभी नीचे नहीं रखेंगे अभी हाल बिल्कुल भी उसको। मोबाइल जा रहे हैं थोड़ा छत पे मंदिर की, जहाँ से पूरी सुंदरता आपको दिखेगी, और दिखाते हैं चल के ऊपर जाके कितना प्यारा है, क्योंकि अभी तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और अंदर जाने में तो बहुत भी अच्छा लगेगा। जय श्री राम। 11 मटके जो कि कल कलश में लगेंगे, जो परमानेंट यहीं स्टेज के पास ही रखे रहेंगे। और अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं कितना प्यारा सजाया है मंदिर को श्री राम सरकार को। अरे बाप रे भगवान, ये अपने शिव शंभू भोलेनाथ विराजमान है। और ऊपर आप देख सकते पेड़ कितना प्यारा लग रहा है, मतलब पूरा ग्रीन, इतनी प्यारी लाइट लगा के रख दी है, मतलब यही तो होता है डेकोरेशन करने में, बहुत ही प्यारी सुंदर। और नीचे भी सजा के रख दिया है, और यहाँ भी अंदर भी पूरा सिस्टम तरीका से सजाया हुआ है। और अभी अंदर तो क्या गेट पट बंद हो गए हैं, लेकिन हनुमान लला सरकार के शायद आपको दर्शन मिल ही जाएंगे। ये अपने हनुमान लला सरकार हैं, बजरंगबली सरकार। और ये अभी भाई अभी डेकोरेशन का भी पेंटिंग पेंटिंग चली रही है, तो वो सब कंप्लीट हो जाएगी। और ऊपर अभी छत पे भी चलते हैं मस्त, भाई जा रहा है छत में, छत का भी देख सकते आप लोग कितना प्यारा और कितनी प्यारी सुंदरता तरीका से, कितना अच्छा लग रहा है ऐसा मानो
जन्नत जैसा, ऊपर से कुछ ऐसी दस दिख रहा होगा आप लोगों को। और अभी साइड जा भाई, पेड़ का तो कुछ जवाब ही नहीं है, इतना प्यारा लग रहा ना कि बहुत ही अच्छा। ये आ गया अपना पंडाल, मेन पंडाल जहाँ भागवत कथा होना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कितना प्यारे तरीके से पंडाल लगा हुआ, मतलब इतने प्यारे पर्दे लग रहे हैं ना भाई कि देखने को बनता है कि ऐसे देखते ही रहें देखते ही रहें। और अभी थोड़ी लाइट आ जाएगी ना इस साइड भी ना भाई, तो वो भी बहुत शानदार लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा, क्योंकि उसी का भी धीरे धीरे काम चल ही रहा है। और लाइट आ जाएगी ना भाई तो जैसे अपना बरगद का पेड़ चमक रहा है और श्री राम सरकार की गुम्मत, तो वैसे ही सारा सब कुछ एक नंबर लगेगा सिस्टमेटिक तरीका से आज। लेकिन ना मन बहुत ही अच्छा और प्यारा लग रहा है ऐसा सब कुछ देख के, कल और सुंदरता बढ़ जाएगी क्योंकि कल से कार्यक्रम स्टार्ट है और कलश यात्रा कल ही से चालू है। मेरा मन तो यही कर रहा है कि मैं तो यहीं रुक जाऊं सरकार के पास, लेकिन मंदिर में रात में रुकना वही अलाउड नहीं है, और अच्छा भी तो नहीं लगता ऐसा कि नियम कानून को तोड़ें। फाइनल श्री राम सरकार ने आखिर सुन ही ली मेरी बात, सरकार ने लाइट भी थोड़ी व्यवस्थाएं हो गई तो आप सुंदरता देख ही सकते हो। अभी तो एक ही लाइट ओनली चालू हुई है, इतनी सुंदरता है, बाकी अभी और भी चालू होंगी ना तो भाई अपार सुंदरता हो जाएगी चालू। ताओ शैतान करने लगे तुरंत के तुरंत, अब पंडित का बनाना, उसमें पंडित आ जाएंगे दोनों, एक तीसरा पंडित कहाँ गए, एक कुर्सी देखो शैतान करने लगाते, सब लोग छिप जाओगे क्या अभी उसमें, सारे पंडित छिप गए हैं कुर्सी के नीचे। यहाँ का तो सारा कैप्चर कर लिया, मस्त चलते हैं नीचे और नीचे भी देखते हैं और क्या क्या व्यवस्था है भाई, बहुत ही प्यारा लग रहा, मानो जन्नत। मैं और मेरा भाई धम्मू दोनों लोग आ गए हैं बाहर, अब थोड़ा धम्मू के घर के पास बैठेंगे, मस्त थोड़ी बातचीत वातचीत वगैरह करेंगे, उसके बाद निकलते हैं क्योंकि अभी दिन में तो काफ़ी सारा हो गया है काम आज का। और जो निमंत्रण थे भाई वो कल ऑलरेडी हो ही चुका है, वो तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को अपलोड कर ही दिया था वीडियो, कल कलश यात्रा का भव्य होगा, नगर या मतलब नगर का भ्रमण होगा, तो उसमें भी जाएंगे हम लोग, मस्त उसी का भी वीडियो कैप्चर करेंगे आप लोगों को दिखाएंगे लाइव के माध्यम से भी।